हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नीट 2019 के टाई ब्रेकर कॉन्सेप्ट की। मीन्स दो स्टूडेंट जिसके सेम मार्क्स आ रहे हैं तो उसमें से किसको हायर रैंक प्रोवाइड की जाएगी। सेकंड हम इसमें बात करेंगे नीट 2018 में जो टॉप 10 मेडिकल कॉलेजेस इंडिया में थे उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक क्या रही थी। चलिए तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए वीडियो को आगे करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। हेलो, तो टाई ब्रेकर कॉन्सेप्ट तब अप्लाई किया जाता है जब दो और दो से अधिक स्टूडेंट्स इक्वल मार्क्स जो है गेन कर रहे हो। जब दो और दो से अधिक स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इक्वल मार्क्स गेन कर रहे हैं तब टाई ब्रेकर कॉन्सेप्ट जो है मेरिट लिस्ट बनाने में नीट 2019 की जो होती है वो यूज़ की जाती है। तो टाई ब्रेकर कॉन्सेप्ट को हम कैसे देखेंगे। तो सबसे पहले टाई ब्रेकर कॉन्सेप्ट में देखा जाता है कि मार्क्स इन द बायोलॉजी इन 2019 नीट 2019 में सबसे पहले देखा जाएगा मार्क्स। जबकि 2018 की बात करें तो 2018 में सबसे पहले एज देखी जाती थी कि जिसकी एज ज़्यादा हो कि उसको ज़्यादा रैंक प्रेफर करनी जाती थी। तो नीट 2019 में ऐसा नहीं होगा। नीट 2019 में पहले जो होगा वो मार्क्स इन बायोलॉजी के मार्क्स को देखा जाएगा। अगर दोनों स्टूडेंट्स के बायोलॉजी में मार्क्स सेम है देन देखा जाएगा मार्क्स इन द केमिस्ट्री। देन मार्क्स इन द केमिस्ट्री देखेंगे केमिस्ट्री में किसने ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए हैं। इफ़ दोनों स्टूडेंट्स मान लीजिए पांच स्टूडेंट में से दो के मार्क्स तीन के मार्क्स जो थे बायो में सेम थे, अब दो के मार्क्स जो हैं केमिस्ट्री में सेम हैं, देन हम देखेंगे कि नंबर ऑफ द रॉन्ग आंसर कि रॉन्ग आंसर कितने किसमें से इन सभी बच्चों में से कितने ज़्यादा रॉन्ग किए हैं। जिसने कम रॉन्ग किए होंगे उसको ज़्यादा मार्क रैंक प्रेफर की जाएगी। देखिए इन द केस ऑफ द टाइम आर कंसीडर्ड एबव मेंशन देन द कैंडिडेट हु हैज गिवन द लीस्ट नंबर ऑफ द रॉन्ग आंसर विल बी प्रेफर्ड। तो पहले जिसके बायो में मार्क ज़्यादा होंगे उसको प्रेफरेंस, फिर जिसके केमिस्ट्री में ज़्यादा होंगे उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, देन जिसके रॉन्ग आंसर कम होंगे उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर यहाँ से भी मेरिट लिस्ट प्रिपेयर नहीं हो रही है देन लास्ट में फाइनल क्राइटेरिया जो आता है वो क्राइटेरिया आता है कि यहाँ पे फीस दी जाएगी एज को। तो एज उसको दी जाएगी जिसकी एज ज़्यादा होगी, ओल्डर जो ज़्यादा होगा उसको रैंक उतनी ज़्यादा प्रेफर की जाएगी। तो ये था कि जो टाई ब्रेकर कॉन्सेप्ट है जिसमें टाई हो रहा है उसमें कैसे रैंक नीट में डिफाइन की जाएगी नीट 2019 में। तो पहले बायो में जिसके मार्क्स ज़्यादा हो, सेकंड जिसके मार्क्स केमिस्ट्री में ज़्यादा हो, फिर जिसने सबसे कम रॉन्ग आंसर अटेम्प्ट किए हों, देन जिसकी एज जो जितना ज़्यादा ओल्डर हो। तो ये था हमारा टाई ब्रेकर कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं कि नीट 2018 में क्या कट ऑफ रही थी और नीट 2019 में क्या कट ऑफ रह सकती है ऑल इंडिया टॉप 10 कॉलेजेस की। तो यहाँ पे हमारे पास टॉप 10 मेडिकल कॉलेजेस होंगे, उस टॉप 10 मेडिकल की 2014 टू 2018 ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक मैं आपको बताऊँगा। पहले हम बात करते हैं MAMC मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली, जिसकी अगर हम बात करें 2014 में तो 2014 में उसकी ओपनिंग रैंक जो रही थी वो 2014 में ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक की हम देखिए बात कर रहे हैं। तो ओपनिंग रैंक तो जो होती है वो हमेशा वन से ही शुरुआत होती है, तो ओपनिंग रैंक तो हर किसी की वन रही। लेकिन क्लोजिंग रैंक की बात करें तो इसकी जो क्लोजिंग रैंक रही 2014 में 59, 16, 15 में 28, 16 में 44, 17 में 49, देन 18 में 58। तो अगर आपसे बात करें केवल एक बार रैंक 2015 में डाउन हुई, बाकी रैंक फिर 2016 टू 2018 रैंक कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। इज़ द नंबर ऑफ़ द कैंडिडेट इंक्रीज, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ कैंडिडेट बढ़ रहे हैं तो उतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो ओपनिंग रैंक बन रही, क्लोजिंग रैंक जो मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज की लास्ट ईयर जो थी वो 58 रही थी, उससे पहले 49 रही थी। तो इस साल जो होगी इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक, ओपनिंग रैंक वन टू मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज की क्लोजिंग रैंक हम 42 तक मान सकते हैं। इस साल क्लोजिंग रैंक घटेगी क्यों, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेपर इजी था, सेकंड नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा थे। तो इस साल जो होगी ओपनिंग हमारी क्लोजिंग रैंक जो होगी वो घटेगी। पहले हमारी क्लोजिंग रैंक बढ़ती चली आ रही थी लेकिन इस साल हमारी जो क्लोजिंग रैंक होगी वो डाउन होगी। तो रैंक जो कि हमारी वो 42 टू 38 के बीच में यहाँ पे बिलोंग करेगी। ये थी जो जनरल कैटेगरी की रैंक की हम बात कर रहे हैं, ये हम कैटेगरी वाइज जो रैंक है वो जनरल कैटेगरी की कैटेगरी वाइज रैंक बात कर रहे हैं। सेकंड बात करते हैं VMMC न्यू दिल्ली। VMMC न्यू दिल्ली की बात करें तो जैसे अगर आपको देखें तो इसकी दो बार सबसे कम रैंक रही है, एक 2015 दूसरा 2016 में। 2015 में 56,
क्योंकि 2015 का जो पेपर था वो काफ़ी टफ पेपर भी था, ऐसा नहीं है, काफ़ी इजी पेपर आया था, इसलिए रैंक थोड़ी बढ़ के गई है। बात करें 2017 में तो रैंक 82 रही है, लेकिन जब 2018 की बात करें तो रैंक 107 रही है, लेकिन इस साल जो रैंक होगी इसकी वो 100 तक जाएगी, केवल जो क्लोजिंग रैंक होगी वो 100 पे जाके बंद हो जाएगी। तो इस बार रैंक थोड़ी कम हो रही है क्योंकि कट ऑफ मार्क्सेस हैं वो थोड़े इंक्रीज हो रहे हैं। नेक्स्ट हम मेडिकल कॉलेज की बात करें, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ द मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली। यूनिवर्सिटी साइंस ऑफ द मेडिकल कॉलेज की फिर से बात करें तो इसकी जो लास्ट ईयर क्लोजिंग रैंक रही वो 165 2018 में रहती है, जबकि उसके प्रीवियस ईयर में रैंक केवल एक बार सबसे कम रही वो 2015 में, लेकिन इस साल जो इसकी रैंक है वो घट के 150 आने वाली है क्लोजिंग रैंक। तो इसकी क्लोजिंग रैंक जो होगी यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ द मेडिकल साइंस की जो क्लोजिंग रैंक होगी वो 150 आने वाली है। नेक्स्ट हम बात करें लेडी हार्डिंग। लेडी हार्डिंग की लास्ट ईयर जो आपको देख रहा होगा कि सबसे कम जो रैंक हुई थी क्लोजिंग रैंक वो 2015 में ही थी, क्योंकि पेपर का जो लेवल था वो काफ़ी इजी लेवल रहा जिससे काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ द कैंडिडेट पास आउट हुए। तो सेम इसी साल होने वाला है क्योंकि बायो और केमिस्ट्री जो थी काफ़ी ईजी रही थी, तो इस साल जो क्लोजिंग रैंक है वो फिर से घटेगी लेडी हार्डिंग की 314 से 300 to 310 इसमें बिलोंग करने वाली है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑफ चंडीगढ़। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑफ चंडीगढ़ में केवल दो बार जो रैंक है वो 150 के आसपास बिलोंग की है, वो था हमारे 2015 एंड 2016 का, लेकिन इस बार फिर से जो रैंक होगी वो उसमें काफ़ी डिक्रीजमेंट आने वाला है, क्योंकि इस कॉलेज की जो डिमांड होती है वो कुछ ज़्यादा है चंडीगढ़ में, क्योंकि एक अर्बन कॉलेज में वहाँ पर जो कॉलेजेस है वहाँ पर कुछ ही कम कॉलेजेस पाए जाते हैं, इसलिए इस कॉलेज की वहाँ पर डिमांड ज़्यादा है। और इस बार इसकी रैंक 200 to 210 तक बिलोंग करने वाली है। चलिए फिर बात करें सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज मुंबई। जीएस मेडिकल कॉलेज मुंबई इसकी रैंक 280 तक रहने वाली है इस साल, क्योंकि हर कॉलेजेस की रैंक जो है वो डिक्रीज़ होने वाली। मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि लास्ट ईयर क्लोजिंग रैंक क्या रही थी, तो सबसे कम क्लोजिंग रैंक आप देख रहे हैं 2015 में ही रही थी। इधर बात करते हैं KGMC 703, अगर आप स्टेट कोटा से यूपी से बिलोंग करते हैं तो आपको मैंने बता ही दिया KGMC इस साल आपको 590 प्लस पे ही मिलेगा। अगर आप यूपी स्टेट कोटा से बिलोंग करते हैं तो KGMC आपको 590 प्लस पे ही मिलेगा। अगर आप ऑल इंडिया कोटा में अप्लाई कर रहे हैं तो आपके मार्क्स 630 प्लस होने चाहिए इस साल, 630 और वी कैन से 615 to 630 के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं तो आप KGMC के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको KGMC अलॉट हो जाएगा। देन बात करें स्टैनली मेडिकल कॉलेज एंड पी भगवत दयाल शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, इसकी बात करें तो इसकी जो क्लोजिंग रैंक है वो फिर से डिक्रीज में क्लोजिंग रैंक में इन हर साल की तरह थोड़ा सा इन कॉलेजों में इंक्रीजमेंट आने वाला है, क्योंकि बात करें कि 2015 में भी इनकी रैंक में जो था वो काफ़ी इंक्रीजमेंट देखने को मिला था, तो इस साल भी इनके कॉलेजेस में काफ़ी इंक्रीजमेंट देखेगा। स्टैनली मेडिकल कॉलेज में तो 3520 से थोड़ी बढ़ के 3540 के तक ये क्लोजिंग रैंक पहुँचेगी, 20 रैंक का इसमें इंक्रीजमेंट होगा। लेकिन अगर पी भगवत दयाल मेडिकल कॉलेज की बात करें तो पी भगवत दयाल शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेज जो कि PG भी करवाते हैं, तो यहाँ की बात करें तो रैंक जो है वो नॉर्मली स्टैनली लास्ट ईयर की तरह इक्वल रहने वाली है, बिकॉज कुछ ज़्यादा खासा इंक्रीजमेंट इतने सालों में इसमें नहीं दिखा, केवल 15 में इंक्रीजमेंट दिखा था, तो इसकी रैंक जो है वो उतनी ही रहने वाली है। चलिए बात करें ग्रांट मेडिकल कॉलेज मुंबई। ग्रांट मेडिकल कॉलेज मुंबई की बात करें तो मुंबई का एक ही मात्र टॉप मेडिकल कॉलेज है, और जैसी मुंबई में वैसवी मेडिकल कॉलेज की डिक्रीज कमी की वजह से इसकी जो रैंक है वो थोड़ी सी हर साल की तरह इंक्रीज़ होगी, और इसकी इंक्रीजमेंट के साथ रैंक 1100 तक बिलोंग करने वाली है, 20 रैंक का डिक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। तो ये थी टॉप 10 मेडिकल कॉलेज की ओपनिंग एंड ओपनिंग रैंक, तो 1 से ही शुरुआत होती है, 1 से कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन क्लोजिंग रैंक जहाँ पे ये कॉलेज में सीट अलॉटमेंट 1 हो जाता है। पहले मैं आपको बता दूँ कि जनरल कैटेगरीज वाइज जो है वो अलॉटमेंट यहाँ पे मैंने आपको दिखाया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।